हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। न्यूटन क्लासेस में अपन देख रहे थे मैथ के सॉल्यूशन, और मैथ प्रेस में जितने भी अभी तक आए हुए हैं सब अपन देख रहे थे, यहाँ तक अपन कवर कर चुके थे। अब इसी के आगे अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं, और आई होप आप लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हो सेशन को और बहुत कुछ नया सीख भी रहे होगे। हमारा उद्देश्य यह है आपको कुछ ना कुछ नया सिखाना। आप सीखते रहेंगे, हम आपको सिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, और हम आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगे। क्योंकि आपके पास सिलेक्शन है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ है, क्योंकि आज की दुनिया में सिलेक्ट होना एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जाता है। गवर्नमेंट नौकरी होना एक मान सम्मान प्रतिष्ठा, हर प्रकार की आपको सम्मान मिलता है। वही लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और जुनून होना चाहिए आँखों में, तुम्हें अपने सपने पूरे करना है, रुकना नहीं है, हारना नहीं है, जीतना है। बस यही अपने माइंड को बार बार देना है मैसेज कि मैं जीतूंगा, मैं हार नहीं हूँ, मैं हारने के लिए नहीं आया था दुनिया में, जीतने के लिए आया था, और जीत के दिखाऊंगा। वही जीत कर ही रहूंगा मैं, और मुझे कोई दुनिया की ताकत रोकने वाली नहीं है। मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूँगा, बस अपने डेडिकेट गिरूँगा फिर उठ खड़ा होऊंगा, दो बार गिरूँगा फिर उठ खड़ा हो जाऊंगा, तीन बार करूंगा फिर खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन सेलेक्ट हो के ही रहूंगा और टॉप रैंक हासिल करूंगा। और कर सकते हो, इतना भी बता देते हैं माइंड को, समझाओगे तो हो भी जाएगा सेलेक्ट। चलो अब इस क्वेश्चन के साथ ही आगे बढ़ते हैं। देखिए, असम में होने वाली प्रति वर्ष 1% की कमी हो रही है वर्षा में, और 2004 में 2001 की तुलना में वहाँ कितने परसेंट अधिक बारिश हुई। ठीक है, मतलब 2004 की तुलना में 2001 में कितनी परसेंट अधिक बारिश हुई। देखो, हमने आपको ये, हम आपको उसमें बताएंगे, सीआई में आपको ये बताएंगे, आप लोग यहाँ रखना। सीआई में हमने आपको एक मेथड बताएंगे, ये ट्री मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्री मेथड। एक 100% होता है, 100 में से ये तीन यहाँ पर गोलंडे बनते हैं। ठीक है, तीन गोलंडे बनते हैं, और इनके फिर नीचे फिर तीन अंडे बनते हैं तीन बार। देखो इस क्वेश्चन का क्या है, इस ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन करने की, इस क्वेश्चन को ये ट्रिक क्या है कि 2001 से लेकर 2004 तक कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। तो तीन बार कोई चीज़ कमी पर कमी होती जा रही, समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या हो रही? कमी पर कमी हो रही। तो इस क्वेश्चन को ये आपको समझना है कि तीन बार होना है। दो बार होता है तो हमने आपको बता दिया कि दो बार होने के लिए क्या आपको गोल अंडे बनते हैं। ये दो बार यदि होता तो आपके ये दो अंडे बनते हैं, ये पांच तीन, एक तो पूरा 100% रहता है ऊपर का अंडा, इस अंडे में से दो अंडे और एक नीचे अंडा और तीन, ये दो वर्ष के लिए है। और जब तीन बार हो तो ये है। ठीक है, अब देखो इसको कितना कितने आसानी से कर देंगे। आप क्या करें, 1% कमी हो रही तो 100 का 1% कितना होता है? 1। तो यहाँ पर जो तीन अंडे ऊपर के, इनमें एक एक रहेगा। ठीक है, अब नीचे के इनके और अंडे हैं नीचे, इसमें कितना है? अब ये जो है इसका फिर 1% निकालना है, 1 का 1% निकालना है। क्या निकालना? 1 का 1% फिर निकालना है। तो 1% निकालोगे तो क्या आएगा? 2 अंक बिंदी 2 अंक दशमलव लग जाएगा, 2 अंक दशमलव होगा तो क्या होगा? 0 1 पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। करेक्ट है, 0.01 करेक्ट। ऐसे यहाँ हो जाएगा 0.01। ठीक है, राइट। फिर ऐसे ही हो जाएगा 0.01। इस तरह आपकी ये तीन वर्षों के लिए हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसका क्या करना है? फिर इसका एक बार फिर आप 1% निकालोगे तो 0.01 का, अब 0.01 है, 0.01 है। ठीक है, पॉइंट क्या है? 0.01। इसका भी आप 1% निकालोगे तो कितने अंक दशमलव लग जाएगा? 2 अंक तो ऊपर हैं और 2 अंक नीचे से, 4 अंक दशमलव लग जाएगा। तो 4 अंक दशमलव लगा दो यहाँ पर, 4 अंक दशमलव लगेगा। एक ये हो गया, ये हो गया 0.001, ये दशमलव। अब जो आपको प्राप्त हुआ है, ये देखो इतना, ये सब प्राप्त होता है, ये होता है आपको ब्याज या फिर कमी, जितना बड़ा है या फिर ब्याज जो मिला वो आपको मिल जाता है। तो इन सबको जोड़ दो, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये, ऊपर के 3 रुपये ये मिल गए, और ये 0.01 01 01, तो 3.03 क्या होगा? तीन ऊपर से हो गए, और ये 0.03 यहाँ मिल गए। और देखो ये कितना है? 0.01। कितना है ये? 0.01। तो 0.01 और जोड़ दोगे तो ये 4 अंक दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो ये संख्या आ जाएगी, पहला उत्तर क्या निकल के आ जाएगा? पहला वाला उत्तर निकल के आ जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? कितना आसानी से कर लिया। चलिए, नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, आ जाइए हम दूसरा आपको मेथड बता देते हैं, ये उससे भी आसान है और बहुत आसान
आपको बनाने के लिए ही हम आपको यहाँ पर आए हैं, बट बहुत चीज़ें आसान बनाने के लिए हम आपको आए हैं और बहुत सरल चीज़ें सिखाने के लिए ही हम आपसे जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े हैं। आइए देखिए, अब हमने आपको एक चीज़ सिखाई है, इसमें सिखाएंगे या फिर नहीं सीखे अभी तक तो सिखा देंगे, 3A और प्लस 3B और प्लस C। देखो ये क्या होता है, ये आपको याद रखना है 3 सालों के लिए। ये क्या होता है 3 सालों के लिए, जब कभी आप निकाल रहे हैं, ब्याज निकाल रहे हैं या आप कुछ वृद्धि हो रही है, 3 बार हो रही है, सक्सेसिव बोलते हैं, मतलब किसी चीज़ पे सक्सेसिव का मतलब होता है, जैसे हमने आपके कई कहा कि भाई आपकी पहले साल 10% जनसंख्या बढ़ी, 100 थी, अब 10% कितना होता है 100 का, 10 रुपया होता है, तो 110 हो गया आपके पास। अब हमने कही अब 10% फिर बढ़ गई, तो वो 110 पे फिर 10% बढ़ेगी, तो 110 का 10% कितना होता है 11, ठीक है, तो वो जो बड़ी है उसी पर फिर 10% निकालोगे आप, बड़ी का, तो बड़ी क्योंकि 11 हो गई, 110 हो गई, 110 का फिर 10%, उसे बोलते हैं 11 निकल गई, तो वो है सक्सेसिव, मतलब बढ़ने पर फिर बढ़ गई, सक्सेसिव बोलते हैं, यही सक्सेसिव के लिए, ये आपको 3 साल के लिए ये आपको फॉर्मूला हमने दिया है, ये 3A प्लस 3B और प्लस C, ये आपको याद कर लेना है 3 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए कहें तो 2A प्लस के बी, ये 2 वर्ष के लिए है, इधर 2A प्लस के बी, ठीक है भाई। ये ट्री मेथड का ही है, देखो इसमें ये A क्या है, पहले वर्ष का ब्याज, A क्या है, पहले वर्ष का ब्याज, B क्या है, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का बड़ी या कमी, C क्या है, तीसरे वर्ष का, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। देखो अब पहले वर्ष में 3 तो हैं आपके पास, A देखो 100 हमेशा 100% रहेगा आपको, 100% में 1% कमी भाई पहले वर्ष, तो कितना हो जाएगा 3 × 100 का 1% कितना होता है, 1 ही होता है, तो लिख दो 1, ठीक है। अब 3B, अब जो आपका निकल चुका है, 1 निकला 1, देखो B क्या है, देखो हम आपको बताएं B क्या है, यहाँ पर हिसाब कर देते हैं, इसके बाद यहाँ बता देते हैं। देखो A क्या था, ये था आपका 100% जो निकला है उसका ब्याज था 1%, ठीक है, 1% का ब्याज था, ठीक है, ये करेक्ट है। और B क्या है, इसका भी तुम 1% निकालोगे, क्या है ये 1% इसका भी निकालोगे तो जो B मिलेगा वो है। और C क्या है, B का भी 1% निकाल के, B का भी 1% निकालोगे तब आपको मिलेगा C, समझ आ रही कि नहीं आई, तब C आपको मिलेगा, ये है मतलब। अब देखो एक जो मिला है, अब देखो अब आते हैं क्वेश्चन पे, आप बोले A कितना है, 1 है, 100 का 1% कितना होता है, 1 होता है। अब B क्या है, इस 1 का भी 1% कितना होगा, 0.1, कितना होगा 0.1, यहाँ पर दशमलव भी लगा दोगे और दशमलव लग गया। प्लस C क्या है, जो 0.1 निकला है उसका भी 1% क्या होगा, क्या होगा उसका भी 1% 0.001, 4 दशमलव लग जाएगा और 0.1 हो जाएगा, यहाँ पर समझ आएगी नहीं, ठीक है, तो ये आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, करेक्ट। अब इनको जोड़ दो, यही उत्तर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस ये 0.1 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.2 दशमलव लग जाएगा 0.3, ठीक है, प्लस 0.0001, ये सब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 3.03, ये उत्तर मिल जाएगा पहले ही, करेक्ट है। तो आप यदि ये चीज़ आपको याद है तो इससे भी आप आसानी से कर लोगे। और A हमने बता दिया पहले वर्ष का ब्याज, B क्या है, ब्याज पे जो निकला है उसका ब्याज, और C क्या है, B से जो निकला ब्याज वो है, तो आप समझ सकते हो, राइट है। अब हम सवाल इस तरीके को हम आपको पूरा और एक दूसरा मेथड बताते हैं जो आपको बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है, उससे आप लोग बहुत कुछ सीखोगे, करेक्ट है। आइए सिखाते हैं, देखो एक चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने आपसे कहा कि 100 रुपया है हमारे पास, करेक्ट है, 100 रुपया है, 100 से हमने कहा 100 का 10% ब्याज, 10%, ठीक है, तो कितना होता है 10 रुपया होता है, 100 का कोई भी परसेंट निकालो वही के वही हो जाता है, 10 ही रुपया हो जाता है, लिख दे रहा है 10 रुपया, ठीक है। अब हमने कहा 10 रुपया आपके कम हो गए, यहाँ पर बढ़ा दो, यहाँ वृद्धि हो गई, चलो क्या कहूँगी वृद्धि हो गई, ठीक है, वृद्धि हो गई, चलो तो कितने हो गए 110 हो गए आपके पास, हो गए अब 10 रुपया, 100 का 10% ब्याज मिला तो 110 हो गया, बढ़ा दिया अपन ने इस बार, ठीक है, चलो पहले बस कितने रुपये 10 रुपये मिलेगा, यहाँ लिख दिया हमने पहले बस का ब्याज, क्या लिख दिया यहाँ पर जो है ना, ये है पहले वर्ष का, पहली ईयर का ब्याज, ठीक है।
दूसरी बात क्या हुआ, आपको वो ब्याज मिल गया, इस ब्याज पे भी ब्याज बढ़ा रहे हैं आप 10%। इसका 10% कितना होता है बताओ, इसका 10% हुआ 11। क्या हुआ 11, क्या हुआ 10 का 10% कितना होता है 11, तो 11 हो गया। तो आपका आप 11 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 121। ये दूसरे बस का ब्याज यहाँ लिख दें, दूसरे बस का ब्याज, टू ईयर का ब्याज, दूसरी वर्ष का 11 रुपये मिला, दूसरे वर्ष 11 रुपये मिले मात्र। और दोनों का जोड़ दोगे तो पहले दूसरे साल दोनों का जोड़ दोगे तो 21 रुपये ब्याज हो जाएगा। अब तीसरे वर्ष बताओ तो 10% फिर लगेगा, 10% कितना होता है इसका, इसका 10% कितना होगा बताओ, इसका 10% होगा 12.1 रुपया, 12.1 रुपया, ये 12.1 रुपया, ये तीसरी साल का ब्याज है, तीसरी साल का ब्याज है ये 12.1 रुपया, 10% लगा है ये। तो अब 12.1 रुपया फिर ब्याज जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 133.1, ऐसे ही हो गया 3 सालों पर, समझ गई नहीं। अब देखें ना हम कैसे सिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ सिखाना चाह रहा है कि जो पहली बस का ब्याज कितना था 10 रुपया, अब इसका भी तुम 10% निकालो, ब्याज का 10% निकालो कितना होगा 1 रुपया, ब्याज का भी 10% निकालोगे 10 रुपया मिला है ब्याज पहले साल का, इसका भी 10% निकालोगे तो क्या मिलेगा 1 रुपया। तो 1 रुपया आप जोड़ दोगे, ये ब्याज मिला है 10 पे 1 ब्याज जोड़ दोगे तो वो 11 रुपया बन जाएगा। अब देखिए ना 11 रुपया है, 11 रुपया का भी 10% निकालो तो क्या होगा 1.1, क्या हो जाएगा 1.1, 1.1 जोड़ोगे तो 12.1 हो जाएगा। मतलब क्या समझे, मतलब ये समझे हम कि जो हम ब्याज निकल चुका था पहले साल, यदि इसका भी हम 10% निकाल के इसी में जोड़ देते इसमें, तो क्या निकल के आया था दूसरे साल का ब्याज, और दूसरे साल का जो ब्याज निकल चुका था उसी का 10% निकाल के उसी में जोड़ देते तो तीसरे साल का ब्याज निकल के आ जाता, ठीक है। तो पहली साल का ब्याज 10 रुपये, दूसरे साल 11 रुपये मिले, तीसरे साल कितने मिले 12.1 रुपये मिले। हम क्या तीनों सालों का ब्याज बताओ अभी तक मिला के, तो तुम कहोगे जोड़ दो तीनों को तो 33.1 कितना हो जाएगा, 33.1 रुपये ब्याज हो जाएगा तीनों सालों का ब्याज जोड़ के। और वो कहे नहीं 2 साल का किला बताओ तो कहोगे 11 रुपये मिला, वो कहे 3 साल का किला बताओ ब्याज, तीसरी साल का, ओनली तीसरी साल का, 3 सालों का तक नहीं तीसरी साल का, तो आप कहोगे 12.1 रुपया ब्याज। मतलब जो आप जो प्रिंसिपल 100 रुपया था उसका 10% जोड़ के फिर आपने मूलधन बना दिया मिश्रधन, फिर उसका 10% फिर निकाला, फिर आपने जोड़ा 12.1 बन गया, यहाँ से मिले 10% कितना होता है 11 रुपया, फिर आपने जोड़ दिया 1 रुपया होगा, और फिर यहाँ से फिर आपने 10% निकाला 12.1 होगा, तो 12.1 इसमें जोड़ोगे 33.1 होगा, तो यहाँ से कितना मिला 33.1 रुपया ब्याज। और ये वो आपको ब्याज पे ब्याज निकालने के बाद भी 33.1 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा था, समझ आई मेरे मित्रों। तो हमारे सिखाने का क्या मतलब था, हम ये सिखाना चाह रहे थे आपको कि जो मूलधन पे आप ब्याज जोड़ने के बाद जो मिश्रधन बन जाता है फिर उस पर फिर ब्याज निकालते हो, फिर मूलधन, अब ये मूलधन हो गया 110 रुपया, इस पर फिर आपने ब्याज निकाला तो फिर मिश्रधन बन जाता है, फिर वही मूलधन की तरह व्यवहार करेगा, और फिर आप 10 पर निकाल के फिर उसमें ब्याज जोड़ दोगे तो फिर मिश्रधन बन जाएगा। तो यदि आप ब्याज निकाल लो पहली साल का तो उस पर ही 10 पर निकाल के फिर जोड़ दो, फिर ब्याज पर फिर ब्याज जोड़ दो, तो वो भी आपका यहाँ से भी आप समझ में ये आ जाता है कि 3 साल का हम यहाँ से भी डायरेक्ट ब्याज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सक्सेसिव, मतलब ब्याज लगने के बाद पहली साल लगा और पहली साल के बाद फिर आपने उस पर फिर निकाल दिया, उसी पर फिर निकाल दिया, तो वो होता है सक्सेसिव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सबसे बेस्ट मेथड हमने आपको यही बताया, सीधा आप करें। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट भी है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सही से करें, यहाँ पर कमी है, यहाँ पर वृद्धि करने जो कमी है वो क्या करना पड़ेगा, वृद्धि होना होगी, तब आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रही, करेक्ट है। थोड़ा सा गलती था क्वेश्चन में, ये यहाँ पर थोड़ा आप लोग समझें, क्योंकि आप ठीक। तो ये हमने आपको 2 मेथड बताए हैं, क्या बताया, एक तो ट्री मेथड बताया, आप ट्री मेथड याद करिएगा, ठीक है, ट्री मेथड कर सकते हैं, और 100 मान के तो करना ही है, 100 मान के तो करना ही है, ठीक है। ये फिर इस पे फिर निकल जाता है, ये फिर निकल जाता है, ये फिर निकल जाता है, ये फिर निकल, ये 3 साल के लिए है, और ये 2 साल के लिए, ये क्या है 2 साल के लिए है, ठीक है, जो हमने बताया ये 2 साल के लिए है, ठीक है, ये 2 साल के लिए, करेक्ट है, ये 2 साल के लिए। तो आप लोग दोनों याद रखें, 2 साल के वाला, 3 साल वाला, कभी 3 साल वाला पूछ ले, कभी 2 साल वाला। और हमने ये बताया है 3A+3B+C, ये इसको भी आप अप्लाई करते रहेंगे, और ये 2 साल के लिए है, ठीक है। ये क्या है ब्याज है, और इस पर भी ब्याज, ए का भी ब्याज निकालने के बाद ए पे भी आप जितना परसेंट वो निकालोगे तो वो बी बन जाता है, बी पे भी फिर आप जितना परसेंट निकालोगे वो सी बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये अप्लाई होता रहता है, और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन को, अब इस सवाल को अब आगे बढ़ते हैं, करेक्ट है। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि x बटे 4
तीन के बराबर है तो एक्स की वैल्यू 4 × 12 ये तो सभी को आता है करेक्ट। इसमें ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है। हालांकि अब एक्स बटे 4 है तो एक्स की आप 100 भी मान सकते थे, क्या मानो 100। अरे आपको ये हम इसलिए सिखा रहे हैं कि इस एग्ज़ाम में नहीं तो दूसरे सवाल में कहीं अप्लाई हो जाए। एक्स के क्या मान सकते हैं, हम 100 मान सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ पता नहीं तो 100 मान लिया करो। 100% तो 100% बटे 4 क्या हो जाएगा, 25% 3 के बराबर है। 25% जरूर लगाया करो, 25% 3 के बराबर तो 100% क्या 4 गुना हो जाएगा, यहाँ भी 4 गुना हो जाएगा, 3 × 12 उत्तर। 100% की वैल्यू निकालना है 4 × 12 करेक्ट है। 100% की मान के भी कर सकते हो, ये तो सरल था, तो अब आगे करते हैं ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, इसमें कुछ नया सीखते हैं, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ नया सीखोगे आप। कह रहा है एक जो है गोला है, गोला की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है। सिंपल सा पता है आप लोगों को, एक फॉर्मूला भी पता होगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या बताता है, क्षेत्रफल होता है दो लंबाइयों का गुणनखंड होता है, दो लंबाइयों का गुणा बोला जाता है क्षेत्रफल को ठीक है। तो दो चीज़ों का गुणा होता है क्षेत्रफल, और दो चीज़ों के लिए आपको पास फॉर्मूला भी है, ये a प्लस के बी और प्लस माइनस यहाँ दोनों लगाते जा रहे हैं, और ए बी बटे 100 ये वाला फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर दो और उत्तर आराम से निकाल सकते हैं करेक्ट है। सबसे बढ़िया यही रहेगा यहाँ पर। तो देखो सीधा डायरेक्ट करेंगे, और यहाँ पर बिल्कुल आपको पेन नहीं चलाना है। आपने देखा कि गोली की त्रिज्या बढ़ रही है 50%, अब वो गोला की त्रिज्या कह दे या फिर कह दे डायमीटर, डायमीटर मतलब डायमीटर क्या बोलते हैं व्यास, तो भी एक ही बात है, चाहे वो व्यास लिख दे और चाहे त्रिज्या कह दे, तब भी आपको सवाल को इसी फॉर्मूले से हल करना है, क्योंकि त्रिज्या और व्यास में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, वही चीज़ कह एक ही बात है दोनों का मतलब ठीक है। आप समझ लेना इस चीज़ को, यदि वो कहे व्यास हम 50% बढ़ा रहे हैं तब भी आप इसी फॉर्मूले से करें, और कहे त्रिज्या तब भी आप इसी फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि जो व्यास है उसमें भी आर होता है, एक आर होता है, और त्रिज्या तो दे रहा है तो उसका मतलब ही रेडियस ठीक है। आप देखो अब दो बार देखा, दो बार करना है अप्लाई, तो दो अब सीधा इस सवाल को कुछ जीत कहाँ है ये सोचना है, हमारा कंप्यूटर कहाँ कर रहा है, कंप्यूटर ऐसे हल कर रहा होगा, कैसे हल कर रहा होगा हम बता नहीं देते, कंप्यूटर कैसे हल कर रहा होगा, ऐसे कर रहा होगा 50 + 50 + बढ़ रहा है तो दोनों में प्लस प्लस रहेगा, और घटाना होता तो प्लस घटाना प्लस जोड़ने के लिए और घटाने के लिए माइनस हो जाता है ठीक है। इसलिए हमने दोनों चिन्ह लगाए हैं फॉर्मूले में, और 50 × 50 / 100 अब दो बिंदी से दो बिंदी कट जाएंगे तो 25 हो जाएगा, 50 × 50 = 125 इसने ये किया है, बस इतना टाइम तो तब लगेगा। और यदि आप इस सवाल को यदि लिख के कर रहे हो तो आप कंप्यूटर पे तो कंप्यूटर को नहीं हरा पाओगे, इसलिए सवाल को लिख के नहीं करना है, आप माइंड में करना है, बस यही जीत है आपकी। आपने जब माइंड में करना स्टार्ट कर दिया ना तो जीत आपकी है। अब देखो सवाल हम क्या चुटकियाँ उड़ा देते हैं। अब देखो सीधा है, 50% वृद्धि हो रही क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में देखो तो 50-50 करना है, 50-50 दो बार ठीक है, और 50 से ये 50 इसमें भी, अब जो आप फॉर्मूले में सीधा इमेजिन कर रहा है, सीधा माइंड में इमेजिन कर रहा है, 50 + 50 + 50 × 50 / 100 तो बिंदी से बिंदी कट जाएंगे तो 25 हो जाएगा ठीक है, तो 100 और 125 खत्म, ये हो गया राइट है, समझ में आएगी नहीं आई। अब यदि वो कह देता यहाँ पर आयतन में, क्या यहाँ पर सवाल क्या है, आयतन है, मान लो हमने क्या कर दिया आयतन में, अब आयतन में बताइए आप लोग क्या कह दिया हमने कि आयतन में बताओ आप लोग, आयतन बता सकते हो आयतन में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो 3 बार करना पड़ेगा अप्लाई, कितनी बार करना पड़ेगा 3 बार अप्लाई, समझ में आई कि नहीं, क्या करना पड़ेगा 3 बार अप्लाई, तो 3 बार कैसे अप्लाई करोगे आप लोग सोचो, 3 बार आप ऐसे ही अप्लाई कर दो, 3 बार का जो 2 बार निकला है उसी के साथ 1 बार 50 कवर कर दो करेक्ट, तो कैसे करोगे 125 निकला है 125 के साथ फिर कर दो आप 1 बार 50 का ठीक है, 50 × 125 + 50 ठीक है, प्लस 125 × 50 / 100 ये ऐसे कर दो आप लोग करोगे इतना, तो क्योंकि आयतन के लिए 3 चीज़ें हैं, 3 बार होना है त्रिज्या का, इसे 2 बार तो अपन कर चुके थे, 125 आया था, इसलिए 3री बार और करना पड़ेगा अप्लाई ठीक है, ये फॉर्मूला तो कितना हो जाएगा 175, यहाँ पे आप डायरेक्ट करना सीखो बस 175, यहाँ देखो आप गुणा कर लो 125 का, इसमें करोगे गुणा 5 में तो 625 होता है ठीक है। हमने आपको नंबर सिस्टम में बताया भी है कि इसको देखो इस 125 कैसे लिख रहे हैं, 25 × 5 ठीक है, और इंटू 5 तो है ही, क्या है इंटू 5 तो ये हैं ठीक है, तो 1 5 इसको दे दिया हमने तो 25 25 का स्क्वायर 625, और 2 अंक बाद
एक बंदी से बिंदी कट जाएगी, एक दशमलव लगा दो, 6.25 हो जाएगा, कितना होगा 625 हो जाएगा, तो 62.5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो अंक बाद दस एक बिंदी से बिंदी कट जाएगी, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो अब जोड़ दो, 175 में 62 जोड़ना है, 175 में 60 जोड़ दो पहले, कितना हो जाएगा 235, 235 में और 2.5 जोड़ दो, सो 237.5। एक सवाल इस तरीके आप कर लोगे, लेकिन लिखना नहीं है आपको, ठीक है, तब आपको जीत है, अदरवाइज सबके सब वैसे ही कर रहे हैं। चलिए हम आपको तीसरा मेथड बताते हैं, दूसरा मेथड बताते हैं कोई, ये तो इससे भी आज ही आप इमेजिन करोगे तो फास्ट हो जाएगा, और नहीं करोगे तो वैसा तो करना जानते हैं आप लोग, करेक्ट। देखो इस सवाल को करके हम सीखते हैं, आप 100 मान के भी कर सकते हो, 100 करोगे, ठीक है, राइट, और आप अंडे से भी कर सकते हो, जो अभी हमने अंडे बताया, दो बार करना है इसमें अप्लाई, कैसे करना है, दो बार अप्लाई, तो आपको अंडे इमेजिन होना चाहिए, ठीक है, अंडे इमेजिन होना चाहिए, ये थ्री मेथड है। इसमें देखो 50%, 100 का 50% कितना होता है, 50 ही, ठीक है, इसका भी 50% कितना होगा, इसका भी 50% मतलब आधा 25, अब जोड़ दो 125, उत्तर खत्म। देखो जी हाँ, ट्री मेथड भी कह सकते हो आप लोग, करेक्ट, समझ आएगी नहीं आई, अब यहीं के तीन बार का कहता तो तीन बार कर लेते हैं, यही तीन बार के लिए कितने ट्री बनाना है, हम पिछली क्लास में पिछले वाले सवाल में बता चुके हैं, करेक्ट है? अच्छा समझ आएगी नहीं आई, आइए अब 100 मान के करते हैं अब क्वेश्चन को, करेक्ट है? ये क्या था, 50% का मतलब होता है सीधा आधा करना, खत्म करो ये चीज़, आप ऐसे मत परसेंटेज को ऐसे मत लिखा करो कि लिख रहा है परसेंटेज तोड़ रहा है, बट्टे में 100 लिख रहा है, नहीं, ये समझो 50% का मतलब होता है आधा, और 25% का मतलब होता है चौथाई भाग, करेक्ट, तो आप लोग समझ जाओगे। अब देखो इस सवाल को हम, अच्छा हम इस तरीके इतने तरीके से क्यों बताते हैं, ये आप लोगों को विचार किया कभी, हम ये चाहते हैं कि आप सवालों को रट के मत जाओ, कि आप सवालों को ऐसे मत रटो कि भाई हम सवाल रट के जा रहे हैं। देखो अब 50% निकालना है, 50% बढ़ाना है, 50% कितना होता है, अब 100 का 50% कोई भी हो तो 100% का 50% कितना होता है, 50 ही होता है, तो 50 जोड़ दो, 150 हो गया, वृद्धि है ना, तो 50 हो गया। अब इसका भी 50% निकालना है, और 50% का मतलब बता चुके हैं आधा कर दो, तो इसका आधा कितना होता है 75, सीधा 150 का आधा कितना होता है 75, 75 फिर जोड़ दो 225, ठीक है, तो यहाँ 100 थे, फिर आप कितने पहुँचेगा 225 तक पहुँचेगा, कितनी वृद्धि हो गई, 125 की वृद्धि हो गई, ये पूछा है कितनी वृद्धि हो गई, 125% की वृद्धि हो गई, 100 से भी कह सकते हो आप, करेक्ट है, समझ आई। और तीन बार कहता वो, तीन बार कहता तो 225 में फिर अपन क्या करते, 50% बढ़ा के फिर जोड़ देते, इसी का 50% बढ़ा के, 50% मतलब आधा, फिर निकाल दो, इसका आधा निकालोगे, ठीक है, 225 का आधा निकाल के फिर जोड़ दो, करेक्ट है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 225 का आधा कितना होगा, देखो 100 और 112.5 के 50% कितना होगा, 112.5 होगा, अब इसमें 112.5 जोड़ दो 125 में, 225 में 112, ठीक है, तो 337.5 ये उत्तर हो जाएगा, करेक्ट है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ से कितने बढ़ जाएगा, ठीक है, 237.5 ये उत्तर हो जाएगा तीन वर्षों के लिए, तीन बार के लिए, करेक्ट है, यदि आयतन के लिए पूछा तो, तो आप लोग समझ में आए कि नहीं, क्या आप तीन प्रकार से कर सकते हैं, और हमने आपको एक फॉर्मूला और बताया, उससे भी करोगे आप लोग, इतने तरीके से कर लो सवाल कि रटने की जरूरत ही नहीं पड़े, एक प्रकार से ये समझ में आ जाए कि वास्तव में सवाल कहना क्या चाह रहा है, ख़त्म, ठीक है, आप इससे भी करोगे, अभी हमने बताया ना, दो बार के लिए 2a + b, करेक्ट है। अब देखो इसके लिए ए क्या है, ए है पहले वर्ष का ब्याज, ये तो पहले वर्ष का कितना है 50 है, 100 का 50% कितना होता है, 100 ही होता है, 50 ही होता है, तो ए तो 2 का 50 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है, बी क्या है, जो 50% निकला उसका भी 50% मतलब 25, बी क्या है, जो ए निकला है उसका भी 50% निकालना है, तब भी नहीं मिलेगा आपको, तब भी बी प्राप्त होगा, तो 100 इस ए की वैल्यू कितनी, 50 इसका भी 50% कितना होता है, मतलब आधा कितना है 25, तो 25 ही बचा, तो 25 बी की वैल्यू हुई, खत्म खत्म है, समझ में आएगी नहीं आई, अब आगे बढ़ें, तो ये समझ में आई कि नहीं आई, जब क्षेत्रफल कहे तो दो बार करना है, क्योंकि ये दो जो क्षेत्रफल होता है हमेशा लंबाई चौड़ाई का गुणक होता है, इसलिए दो चीज़ों का होता है, आयतन क्या होता है तीन चीज़ों का, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये टू डायमेंशनल होता है, ये थ्री डायमेंशनल होता है, इसलिए तीन बार होना होता है इसका, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के लिए तो हम आपको कम सिखाएँ, भले कम सवाल कराएँ, लेकिन सिखाएँगे हम आपको ऐसा कि निचोड़ करा देंगे, दोबारा आपको इस तरह के सवाल मिलें तो आप लोग उस सवाल की ऐसी फजीयत कर दो
इतना अटैकिंग पावर होना चाहिए तुम्हारी कि सवाल रटू नहीं, कई प्रकार से करके देख लेंगे, हटाओ इस तरीके से। अब वहाँ पर क्या कैसे समझ दिमाग में आएगा कभी कौन सा तरीका लगाना है, वहाँ पर ये समझ में आएगा जब आप सवालों को प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको दिमाग में आने लगेगा कौन सा तरीके से सवाल सरल सॉल्व हो जाएगा। भाई क्या है, देखो हम आपको बताएं, जैसे कि आप कि कई सारे दुश्मन हैं, कितने दुश्मन, बहुत सारे दुश्मन हैं, अब आपके दुश्मन हैं और आप एक ही रास्ते से जा रहे हैं, हमेशा एक रास्ते से जाते हो, अब एक रास्ते से हमेशा जाते हो तो आपके दुश्मन को पता है कि आप एक रास्ता अपनाए हो तो वो तुरंत दो चार बंदे बुला के भयंकर पिटाई करवाएगा तुम्हारी, क्योंकि उसे पता है तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, उसे पता है तुम्हारे दुश्मन को। तो यदि आपको पास बहुत सारे रास्ते हैं, तीन चार रास्ते हैं, तो अब दुश्मन को क्या रहेगा कि आपका दुश्मन है वो समझ नहीं पाएगा कौन से रास्ते से गया आज, समझ गए नहीं, और तुम अपने लक्ष्य पर पहुँच जाओगे। यही सवाल है, सवाल क्या है, तुम्हारे दुश्मन है, उनको दो तीन प्रकार से करो ना सॉल्व। जैसे ही आप इस तरह सोचने लगोगे तो आप तरह समझाओगे सरल सरल कौन सा है हमारे इस सवाल के लिए, कैलकुलेशन कितनी बड़ी है, तो कितनी जल्दी हम सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, करेक्ट है। इसलिए आप इस पर और पेन तो चलाने की कोशिश नहीं करना, बस भले ही टाइम लगता है लगने देना, टाइम लगेगा तो यही जीत है बस। आइए अब देखते हैं, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, इसमें इमेजिन आप कितना तेज इमेजिन कर पा रहे हैं, बस पूरा इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है ये सवाल। कह रहा है टैंक के गीले तल का क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग को पता है, जैसे कि कमरा है, आप लोग जानते हो ये कमरा है ये ठीक है, आप लोगों को पता होगा ये कमरा, आप लोग अच्छे से जानते हैं, करेक्ट ये ठीक, ये डिब्बा है। तो क्या कह रहा है कि ऊपर से खुला है, क्या है ऊपर से खुला है ये, ठीक है ये टैंक आयताकार टैंक है, इसमें तुमने पानी भर दिया, तो ये लंबाई है 10 मीटर लिख दिया, ये 10 लंबाई होती है, ये चौड़ाई जी है ये 5 मीटर, और जो ऊंचाई है ये क्या है 2 मीटर, ये ऊंचाई है। कह रहे तो गीले तल का क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल निकाल देते हैं। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, गीला कहाँ का हो, देखो आपने भरा टैंक भरा ऊपर से तो खुला है, तो ऊपर की पट तो गीली रही नहीं रहेगी, कहाँ गीली रहेगा ये, तो कितनी पट्टे गीली रहेंगे, एक पट एक गीली, हम एक लिखते जा रहे हैं, नीचे की दूसरी पट गीली रहेगी 2, और इस साइड की 3, और ये पीछे की ये चौथे नंबर की, ये चौथे की, ठीक है, और कौन सी रहेगी बताइए, एक हो गई, ये 2 हो गई, ठीक है, ये 3 हो गई, और एक ये रहेगी, एक इस साइड की ओर रहेगी, ये एक तो नीचे की हो गई, ये नीचे की हो गई, एक इस साइड की ओर रहेगी, ये वाली ओर रहेगी ऊपर वाली, ये तो ये 5 क्यों 4 के जस्ट इधर भी रहेगी ना, 5 सीटें गीली, क्योंकि पूरे 6 होते हैं, 6 में तो 4 एक नहीं रहेगी ऊपर की, बका के 5 रहेंगे गीले। अब इनका क्षेत्रफल निकालना है, बस यही इमेजिनेशन है। देखो तो सबसे पहले अपन निकाल लो साइडों का निकाल लोगे तो कितना है, ठीक है, मतलब यदि आपको निकालना आता है तो 2 चुटकियों में सवाल हो जाएगा ये। देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, नीचे का लंबाई और चौड़ाई है, तो कितना हो जाएगा 50, नीचे का क्षेत्रफल हो गया। चलो अब साइड का देख लो, साइड का कितनी है, चौड़ाई 5 है, ऊंचाई कितनी है 2, तो 5 × 2 = 10, और 2 हैं ऐसे दीवार हैं तो 2 बार कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखो चौड़ाई कितनी है 5 है, और लंबाई कितनी है, इसके देखो चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 2 है और चौड़ाई 10 है, तो 10 × 20 हो जाएगा क्षेत्रफल, और कितनी है 2 दीवार हैं, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, 50 ये 20 70 में 40 जोड़ोगे तो 110 ये उत्तर हो जाएगा, करेक्ट है, करेक्ट। अब आगे बढ़ें, ठीक है, अच्छा इस सवाल को आप और मान लीजिए कन्फ्यूजन हो रहा है ऐसे में, दीवारें गिनने में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इमेजिन करो माइंड में कि नीचे की दीवार है उसकी लंबाई चौड़ाई है 10 और 5 की, तो 50 हो गया, फिर आप देखो बगल में हैं, बगल में ऊंचाई 2 हैगी और लंबाई है चौड़ाई है 5 की, 2 दीवारें हैं साइड और साइड की, तो 5 × 10 × 20 हो गया, ठीक है, 2 दीवारें हैं। अब देखिए, अब रह गई आपकी इस साइड की और उस साइड की, तो इस कितनी है, ये है 10 और ऊंचाई है 2, 10 × 20 2 दीवारें हैं, तो 20 × 40। अब इनका जोड़ उत्तर, और ऐसे ही भी नहीं कर पा रहा है तो ये जो फॉर्मूला चारों दीवारों का हमने बताया वो उस वाले पे कर लो, इससे भी कर लो, लेकिन इससे एक चेक दिक्कत है, ठीक है, ठीक ये ठीक है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमने बताया आपको, नहीं बताया ये किसके लिए है, ठीक है, ये उसका क्षेत्रफल है, काय का क्षेत्रफल है, ये उसका क्षेत्रफल है, ये है आपके पास जो घनाभ होता है उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, लेकिन इसमें से आपको ऊपर की लंबाई चौड़ाई को घटाना पड़ेगा, लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई घटाना पड़ेगा, तो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का नहीं रंग रहे ना, ऊपर की नहीं होगी गीली, खुली है ना।
अच्छा, और ऐसे भी नहीं कर पा रहा है तो आप ऐसे भी कर लो, बहुत अलग अलग प्रकार से बताया गया है, क्योंकि पूरी आपको इमेजिन करना है, कुछ भी आप ही कर सकते हो। कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, एल प्लस के बी इंटू एच, कमरे की चारों दीवार होंगे, लेकिन नीचे की ओर रह गई अब तो ये लंबाई और चौड़ाई, ये तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल था, तो चारों दीवारें आपकी हो गई क्षेत्रफल की, लेकिन नीचे की ओर रह गई, तो ये आसमें रख दो मान आपको, एल प्लस के बी कितना है, लंबाई चौड़ाई 15, 15 दूनी 30, 30 में दो का गुणा और करो तो 30 दूनी 60 हो गया, प्लस टाइट करना है बस, लंबाई चौड़ाई कितनी है 10 15 50, ठीक है, तो 110। देखो कितने आसान तरीके से करेंगे। चलो अब ये अपन ने बहुत कुछ सीखा है इस सवाल में, यही आपको 2-3 प्रकार से सॉल्व करना है, मतलब हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। हमने कहा पहले आपको कि आप अलग अलग फर्श का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लो, फिर हमने कहा कमरे की चारों दीवार ना और अभी नीचे का रह जाएगा फर्श, तो उसको भी जोड़ लो, उसको भी जोड़ लो, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, हमने कही पहले आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है, हमने बोले आता है, तो 2L+KB, B+KH, L+KH, इसमें से आपने संपूर्ण पृष्ठ ले लिया, ऊपर का भी ले लिया, तो ऊपर का एक घटाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की छत गीली नहीं है, ठीक है, वहाँ से तो पानी डाल रहा है आप, तो एक L- की भी घटा दो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरा बेस्ट मेथड है आपको यही कहेंगे कि आप इमेजिन करके हल करो अलग अलग निकाल के, इससे आप क्षेत्रफल के बारे में समझेंगे और हल करना सीखोगे। बस मेरे मित्रों यही चीज़ है कि आप जितने प्रकार से सवाल को सॉल्व करोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग आएगी, और सवाल को अलग अलग प्रकार से, तो इस सवाल को एक लड़का ऐसा कर रहा है 2L+KB, BH+KL+KH, L+KB घटा रहा है, और अपन क्या कर रहे हैं, सीधा माइंड में कर रहे हैं, लास्ट बार हम उससे कर रहे हैं, इस बार बिल्कुल पेन ही चलाना है और आपको हल करना है, ठीक ना। देखो सबसे पहले लंबाई चौड़ाई है, ठीक है, तो 50 हो गया, ठीक है, फिर क्या है, आप एक 5 का 2 के संगे गुणा होगा, ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 2 दीवारें हैं, ठीक है, 10 दूनी 20 हो गया, 50 और 20 70। अब देखें ना 10 के संगे 20 2 का गुणा होगा तो 20, और इस साइड की भी दीवार है तो 20 दूनी 40, 70 और 40 110, बस खत्म हो गया चारों दीवार, और ऊपर का भी कहता तो 50 और जोड़ देते हम, ठीक है, राइट, क्योंकि ऊपर की यदि वो कहता तो अपन भी कर देते, मतलब अलग अलग दीवारों को निकाल के हल करो, हम तो यही कहेंगे, और इसी से हम करते हैं, उससे फास्ट भी कर लोगे आप, बहुत सब लड़कों से आगे निकल जाओगे। चलो इसी के साथ अपन अगली बार अगले क्वेश्चन के साथ कल वीडियो डालेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है, नमस्कार।